Today we'll study class 7, civics, chapter 1 on equality, part 3. In part 2 and part 1, we have read about the equality and about the story of Kanta. And in part 2, we have seen equality, dignity, about dignity we have studied. And in Indian, we have seen equality in Indian democracy. Now we will see democracy in other countries also. Okay, democracies and equality in other countries. Issues of equality in other democracy. हमने देखा कि इंडिया में भी इक्वालिटी तो बोला जाता है कि राइट ऑफ इक्वालिटी है, बट उसमें भी सब लोगों को समानता का अधिकार नहीं मिलता है, राइट ऑफ इक्वालिटी नहीं मिलता है ना। तो इस तरीके से ऐसा ही नहीं है कि इंडिया में ही ऐसा है, ऐसा दूसरी कंट्रीज में भी है। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द वन डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेयर देयर इज स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। हमने देखा इंडिया में इक्वालिटीज है कहते हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी इनइक्वालिटी है और लोगों का मतलब इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल जारी है। लोग अपने इक्वालिटी के लिए, अपनी समानता के लिए, अपने समानता के अधिकार के लिए कुछ ना कुछ लड़ाई कर ही रहे हैं, ये हमने देखा है ना। तो और द ट्रूथ इज दैट इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशूज ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी अ की इशूज अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल्स। और ये फैक्ट है कि इंडिया ही में ही नहीं, बाकी अन्य डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी इक्वालिटीज़ के लिए झगड़े स्ट्रगल्स हो रहे हैं, है ना। लोग चाहते हैं कि इक्वालिटी मिले उनको, लेकिन वहाँ पर भी उनको सरकार कहती है कि लॉज बने हुए हैं कि इक्वालिटी होना चाहिए, लेकिन उनको इनइक्वालिटी से ट्रीट किया जाता है। तो इसके लिए स्ट्रगल जारी ही है। अब ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा USA, ओल्डेस्ट है। ओके, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द अफ्रीकन अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स वेयर स्लेवरी हु वेयर ब्रॉट फ्रॉम द अफ्रीकन्स। देखो अफ्रीकन अमेरिकन बोल रहा है USA में, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे। अफ्रीकन अमेरिकन मतलब क्या हो गया कि इनके जो पूर्वज थे, जो वहाँ जो अफ्रीकन अमेरिकन है, इनके पूर्वज क्या है को अफ्रीका से अमेरिका में लाया गया। उनके पूर्वजों की बात करें, पूर्वजों को लेकर आया, फोर फादर्स को, एंसेस्टर्स को। यहाँ पर गुलाम, पहले गुलाम बनाया जाता था, स्लेवरी है ना, स्लेवरी बना के रखते थे लोगों को, अपने पढ़ाया हिस्ट्री में जब। तो वहाँ से अफ्रीका से लोगों को लाया जाता था और वो यहाँ पे काम करते थे सारा, और गुलाम बनाकर रखते थे उन लोगों को। करीब करीब ऐसे 60-70 साल हो गए। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी स्ट्रगल्स हुई, चेंजेस हो जाते हैं, प्रो सोसाइटी डेवलप कर जाती है, प्रोस आगे बढ़ जाती है। तो जब 60-70 साल हो गए और वो लोग एंसेस्टर जो थे वो यहीं आए पहले, फिर उनके बच्चे हुए होंगे, फिर उनके बच्चे, तो ऐसे करके वो लोग यहाँ पर ही बसना शुरू कर दिए उन्होंने। 60-70 के बाद अब थोड़ी ना कोई वापस चला जाएगा अपने अफ्रीका में, तो वो लोग यहीं बसना शुरू कर देगा अमेरिका में। लेकिन उनको किस नाम से जाना जाता था, जिनके एंसेस्टर्स अफ्रीका से आए हुए थे उन लोगों को कहा जाता था अफ्रीकन अमेरिकन। ओके, तो इक्वली डिस्क्राइब देयर लाइफ टूडे एज लार्जली अनइक्वल, लेकिन उनकी लाइफ भी वहाँ पे कैसी है, अनइक्वल ट्रीट किया जाता है उनको वहाँ पे। दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज अ मूवमेंट इन दैट लेट 1950s टू पुश फॉर द इक्वल राइट्स फॉर अमेरिकन। वहाँ पे मूवमेंट हुए 1950s में कि जो उनको भी, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनको भी इक्वल राइट्स मिले। Prior to this, African Americans were treated extremely unequally in the United States. उनको इक्वल समानता का अधिकार मिले, लेकिन उनको फिर भी क्या है, अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। कहाँ पे, अमेरिका में, अनइक्वली USA में उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, किसको, अफ्रीकन अमेरिकन को, एंड डिनाइड इक्वालिटी थ्रू द लॉ। और अनइक्वल उनको अनइक्वल
उनको जो अनइक्वल है उनको नहीं माना, उनको सही माना ही नहीं जाता था कि उनको इनको इक्वालिटी मिले, ऐसा नहीं माना जाता था। जो उनसे इनइक्वालिटी ट्रीट करते थे वो उसको सही माना जाता था, ठीक है, इनइक्वालिटी को ही सही मानते थे वो लोग। जैसे हमारे देश में भी पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था उससे पहले क्या था, सब कुछ वहाँ कोई भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, भेदभाव हो रहा था, ट्रीटमेंट हो रहा था, उसके लिए कोई लॉज एंड कानून नहीं बने थे, लॉज नहीं, रूल्स एंड लॉज नहीं बने हुए थे। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तब वहाँ पे रूल्स एंड लॉज बने गए कि अनटचेबिलिटी को बैन किया गया, है ना। इस तरीके से स्कीम जो गवर्नमेंट है उसने लॉ बनाया कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया जाए, उनको नहीं माना जाएगा। तो लेकिन फिर भी क्या होता है, लॉज तो बन गए लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ को पालन करते हैं कि रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत सी जगह में फिर भी ये इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है। वैसे ही वहाँ भी लॉज बने, कानून बने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको इक्वल राइट्स होना चाहिए अफ्रीकन अमेरिकन को, लेकिन फिर भी उनके साथ अनइक्वली ट्रीट किया जाता था उनको। जैसे कि वहाँ पर क्या किया जाता था, एग्जाम्पल है कि जब बस में कोई आता था वाइट मीन्स अमेरिकन एंड ब्लैक मीन्स अफ्रीकन्स, जब वो आते थे बस पे तो उनको बस के पीछे सीट पे बैठना पड़ता था। और यदि वहाँ पर अमेरिकन्स बैठे हुए हैं और अमेरिकन्स के लिए सीट नहीं है तो उनको खड़े होकर उनको सीट देनी होती थी। ये इस तरीके से वहाँ पर एक बस में चलता था उनका, व्हेनेवर अ पर्सन विश टू सीट। और यदि कोई भी ब्लैक आएगा और बस में चढ़ेगा तो जो भी वाइट पीपल आ रहे हैं बस में, ब्लैक पीपल बैठे हुए हैं और वाइट पीपल आया तो मान लो तो उसको सीट नहीं है तो उसको क्या होगा, उसको उठ के वो सीट उनको देनी पड़ेगी, है ना, वाइटिस्ट को सीट देनी पड़ती है उनको। इसी को देखते हुए यहाँ पर एक कहानी है जिसको हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से, एक रोजा पार्क की कहानी है। यहाँ पे रोजा पार्क वाज हम लोग बोल सकते हैं कि हमने देखा कि वोट का अधिकार जब होता है डेमोक्रेसी में, वोट का अधिकार तो सबको समानता से दिया जाता है, उसमें उसके लिए सब इक्वालिटी है। लेकिन सिर्फ वोट देने से या वोट में इक्वल अधिकार होने से ही सब जगह इक्वालिटी होगी ये ज़रूरी नहीं है। वोटिंग राइट डज नॉट गारंटी द इक्वालिटी इन द ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, है ना। ये राइट टू वोट में हम लोग को वोट इक्वालिटी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा सब जगह इक्वल अधिकार होगा। ओके, तो ये रोज़ा पार्क की कहानी मैं बता रही हूँ आपको। रोज़ा पार्क 1913 और 2005 वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन। ये कौन थी, अफ्रीकन वुमेन थी, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, ट्राइड फॉर द नो और टायर्ड, मतलब वो थक चुकी थी, वो बस में सफ़र कर रही थी और थक गई थी पूरे दिन भर के काम से, वो थक गई थी। और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जब वाइट मैन आया बस में, कब की तारीख है, 1 दिसंबर 1955 को जब वो आदमी आया बस पे, और तो रोज़ा पार्क ने इनको रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि वो अपने काम से आई थी और वो थक गई थी पूरी, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो बस सीट खाली नहीं करेंगी। Her refusal that day started a huge aggression against the unequal way in which the African Americans were treated and which came to known as the civil rights movement. ये इन्होंने क्या किया, देखो ये रोज़ा पार्क बैठी हुई है बस में, इन्होंने रिफ्यूज़ किया क्योंकि पता है इनको बैक सीटों में बैठना पड़ता था अफ्रीकन अमेरिकन्स को, देखो वो फ्रंट में बैठी हुई हैं, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं उठूंगी सीट पे, जिसको सीट खाली है पीछे जाके बैठ सकता है। तो जब उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो आपको ये डेट याद रखना है कि उन्होंने कब रिफ्यूज़ किया था, ये 1 दिसंबर 1955, है ना। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन उसके बाद शुरू हुआ, अफ्रीकन अमेरिकन ट्रीटेड एंड विच केम, इसको जो आंदोलन शुरू हुआ उसको उस आंदोलन का नाम क्या हुआ, सिविल राइट्स मूवमेंट। क्या नाम हुआ, सिविल राइट मूवमेंट्स, नागरिकों के अधिकार,
इसको क्या बोला गया, नागरिकों के अधिकार, सिविल राइट मूवमेंट, ओके, इस नाम से जाने लगा। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेसेस, रिलीजन और नेशंस ओरिजिन। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया, सिविल राइट मूवमेंट्स। उसके बाद एक एक्ट पास हुआ, द सिविल राइट एक्ट पास हुआ 1964 में, जिसमें ये बोला गया, क्या था ये एक्ट, इसमें क्या बोला गया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे रेस रंग भेद मतलब जिसको बोलते हैं नहीं होगा, किसी भी रिलीजन के साथ कोई भी रंग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और नेशनल ओरिजिन, नेशनल ओरिजिन मीन्स जैसे अफ्रीकन अमेरिकन, ये इनका, इनको क्या माना जाता है कि अफ्रीकन अमेरिकन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इनकी ओरिजिन वो मानते हैं अफ्रीका की है, तो इस तरीके से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इट ऑल्सो स्टेटेड ऑल द स्कूल्स वुड बी ओपन, और उसके बाद ये भी बोला गया उसमें सिविल राइट एक्ट 1964 में कि उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, और उनके जो बच्चे हैं उन वो सभी ओपन, और जो स्कूल्स हैं सभी ओपन है, किसके लिए, अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए स्कूल सारे ओपन रहेंगे, ना कि हैव नो, और उनको सेपरेट स्कूल में पढ़ना नहीं पड़ेगा, वो भी वहाँ के लोगों के साथ उस स्कूल में पढ़ सकते हैं, ऐसा करके ये एक्ट में रूल बने। ठीक है, रूल बनने के बाद भी डिस्पाइट दिस इक्वालिटी, इसके बावजूद भी क्या हुआ, ये एक्ट बन गया, इसके बावजूद भी क्या हुआ, यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, है ना। हमारे यहाँ पर भी वैसे ही था कि राइट का वोट देना था तो सब लोग क्यू में खड़े थे, लेकिन कांता को जब हॉस्पिटल की बारी आई, हॉस्पिटल में जाना था, तो वो अपने बीमार बच्चे को लेकर एक लंबी लाइन में खड़ी थी, और वहीं पर हमने देखा कि वाल्मीकि दलित वर्ग का जो बच्चा था उसको स्कूल में सब ट्रीट कैसे करते थे, इक्वालिटी तो दिखा रहे हैं लेकिन क्या दिखाता है, इनइक्वालिटी भी, कि उस बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठना पड़ता था, पीछे बैठना पड़ता था, उसे तो झाड़ू लगाना पड़ता था, और मिस्टर एंड मिस्टर अंसारी को लोग घर रेंट पे घर नहीं दे रहे थे, हमने ये देखा। इतनी इक्वालिटी होने के बाद भी, इतनी इक्वालिटी है, इतनी इक्वालिटी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है। उसी तरीके से यहाँ पर रूल एक्ट पास हो गया कि इस तरीके से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है सोसाइटी में। कैसे, most african american children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poor qualified teachers as compared to the white students, so either go to the private school or live in the, jo wahan ke african american bacche the unke paas utna, un log ke paas itna paise nahi the, aur wo kya government school mein padhte the jahan pe bahut facilities jo thi kam thi, aur unko kya tha wahan best qualified teachers bhi nahi the, उनको वहाँ उस स्कूल में पढ़ना पड़ता था। वहीं जो वाइटिस पीपल थे, जो वाइट अमेरिकन्स थे, उनको वहाँ के अच्छे स्कूल में जाते थे वो, प्राइवेट स्कूल और लिव इन द एरियाज वेयर गवर्नमेंट स्कूल्स आर हाईली रेटेड और हैज अ प्राइवेट स्कूल, और वो या तो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उनके बच्चे, या उस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे जो बहुत ही हाईली रेटेड स्कूल था, मतलब वहाँ जहाँ पर बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स थे वो उस जगह वो जाकर पढ़ते थे। तो देखो अभी भी यहाँ पर भेदभाव था, है ना। इसको आप पढ़िएगा, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। हमें डेमोक्रेसी यदि हमको चाहिए तो उसके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हमको देखने पड़ते हैं। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीट डेमोक्रेटिक, देयर वॉज, कोई भी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री, पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते हैं जब तक वहाँ फुल इक्वालिटी ना हो। देयर वॉज ए कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू एक्सपैंड द आइडियाज ऑफ, और जो लोग हैं उनका जो डेमोक्रेसी का आइडिया है वो दिन पर दिन चेंज होते आता है। जैसे आदि आप क्लास सेवन में, अभी आप चाहते हैं आप साइकिल चलाते, फिर थोड़े दिन बाद तो आप चाहोगे कि मैं स्कूटी चलाऊँ, बाइक चलाऊँ, कभी सोचोगे फिर मेरे पास कार हो चलाऊं, तो ये क्या है, आपकी सोच बढ़ती जाती है, उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। तो उसी तरीके से क्या है, ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी, तो हम इक्वालिटी को भी क्या हमारा वो बढ़ते जाता है, एग्जिस्टिंग एज वेल एज द न्यू इश्यूज आते हैं। सेंट्रल
to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained. In this book you have अभी देखो sent सबसे main चीज क्या है, लोगों को उनकी self respect, उनकी dignity, ये सब चीजों को हम लोग को किसी के भी हार्म नहीं करना चाहिए, है ना। सबका सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, सबकी अपनी डिग्निटी है, अपना रेस्पेक्ट है, हमें उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, तभी हम डेमोक्रेसी को पा सकते हैं। ओके, इस बुक में हमने पढ़ा कि इश्यूज ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेली लाइफ्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। एज यू रीड द चैप्टर्स थिंक विद, आप सोचो कि ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्संस एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन द डिग्निटी इन टू अपहेल्ड। तो हम लोग को सबसे पहले तो लोगों की जो डिग्निटी है उसको हर्ट नहीं करना चाहिए, ये तो सबसे मेन है, है ना। और जो भी मान सम्मान है सबको हमको बराबर से रेस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो। आप कुछ क्वेश्चन से देखिए कि सिविल एक्ट, मैं एक रिवीजन आपको जस्ट ओवर थ्रू दे रही हूँ कि सिविल राइट मूवमेंट किसे कहते हैं। द मूवमेंट टुक प्लेस इन USA इन 1950s इन विच द अफ्रीकन अमेरिकन्स डिमांडेड इक्वल राइट्स एंड एन एंड टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, और व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आर डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल एंड द गवर्नमेंट इन द कंट्री टू फॉलो। ओके, ये जरूरी पॉइंट्स हैं, आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इस चैप्टर में अच्छे से याद रखना है, डिग्निटी क्या है, है ना। और सिविल राइट एक्ट कब पास हुआ था, 1964। ओके, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से एक बार रीड आउट कीजिएगा